नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सौम्या जी। आइए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ तमाम खबरें। जी हां, अजय देवगन के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3 चर्चा में चल रही थी। बता दें कि अब इस फिल्म पर काम शुरू हो चुका है। फिल्म का टाइटल होगा सिंघम अगेन और इसकी शूटिंग 2023 से शुरू हो जाएगी। अजय देवगन फिलहाल अपनी फिल्म भोला पर काम कर रहे हैं और जैसे ही भोला खत्म होगी एक्टर सिंघम अगेन की शूटिंग कर लेंगे। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी अपकमिंग फिल्म सर्कस को लेकर चर्चा में बने हुए थे। फिल्म मेकर्स ने जब इसका पोस्टर रिलीज किया था तभी से फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खैर, अब फैंस का ये इंतजार खत्म हो चुका है और फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर देख आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। खास बात यह है कि फिल्म में रणवीर सिंह डबल रोल में दिखाई देंगे। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दस्तक दे चुकी है। राम सेतु को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। दरअसल अक्षय कुमार स्टारर राम सेतु को आज ही प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया है। प्राइम वीडियो के सब्सक्राइबर्स के लिए भी यह फिल्म रेट पर होगी। हालांकि कुछ समय के लिए फिल्म्स को उनके लिए मुफ्त किया जाएगा। बॉलीवुड फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत स्टारर फिल्म एन एक्शन हीरो रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को रिलीज हुए पूरा एक दिन हो चुका है और फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े सामने आने लगे हैं। फिल्म ने पहले दिन सिल्वर स्क्रीन पर सुस्त शुरुआत की है। फिल्म की कहानी एक हीरो और उनकी सन की फैन पर रिलीज है। कहानी में आपको फुल एक्शन देखने को मिलने वाला है। फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ जयदीप अहलावत भी नजर आने वाले हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन एक डेंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडी गिनवाला का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ अलाया फर्नीचर वाला भी नजर आ रही है। फिल्म को शशांक घोष ने डायरेक्ट किया है जो वीरे दी वेडिंग जैसी खूबसूरत फिल्में बना चुके हैं। एक्टिंग की बात करें तो फ्रेडी के लिए कार्तिक आर्यन ने काफी मेहनत की है। उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया है। जी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। डन।